सो फाइनली आप सभी के लिए लेवल फोर वीडियो लेकर आए हैं कंबाइंड नेट क्लास, जो छात्र और अधीक्षक के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें आपके आगामी एग्जाम में हॉस्टल वार्डन में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो 2-3 दिनों से हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो आज आपका रहेगा कंबाइंड नेट क्लास। डेमो तौर पर हम आपको वीडियो लेकर आए हैं जिसमें मैथ्स और कंप्यूटर के प्रश्न देखने को मिलेगा। मैथ्स का मैम आपको कराएंगे प्रॉफिट लॉस से, साथ ही कंप्यूटर का रहेगा 10 प्रश्न। तो आप सभी के लिए डेमो क्लास लेकर आए हैं, तो अपना लेवल चेक कर लीजिएगा। कल से लेवल 5 में आपको हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 35 क्वेश्चन। डेली आपको 35 MCQ कराया जाएगा ऑब्जेक्टिव के तौर पर, जो आपका लेवल हम आपको बढ़ाते जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा हॉस्टल वार्डन की तैयारी के लिए, बहुत जल्द इसका वैकेंसी आने वाला है। तो आज हम मैथ्स और कंप्यूटर दोनों का कंबाइंड क्लास देखेंगे, जो कैसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की और इंडियन का, यानी कि भारत का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर की क्लास बहुत जल्द लाएंगे आप सभी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की कंप्यूटर और मैथ्स की क्लास, जो डेमो क्लास रहेगा। अगर आप मेंबरशिप में जुड़ना ही चाहते हैं, तो मेंबरशिप अगर सब्सक्राइब के बगल में जो ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, आपको मेंबरशिप की क्लास मिल जाएगी। सिल्वर बटन आपको दिखेगा जो कि 59 रुपये का रहेगा, उसी प्रकार आपका गोल्डन बटन दिखेगा, गोल्ड प्राइस जो आपका 199 रहेगा, और डायमंड जो कि आपका 299 रुपये रहेगा 1 महीने के फीस के साथ। अगर आप मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो वहां पर क्लिक कीजिएगा, आपको पर्सनल वीडियो, प्राइवेट वीडियो जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा, उसको हम वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। साथ ही अगर आप चैट भी कर सकते हैं, वहाँ पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मेंबरशिप में क्लास अगर ज्वाइन करना है, तो अगर आपको कोई डाउट वगैरह होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएगा, या फिर नंबर डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, जाकर आप कॉल करके हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं छात्रावास अधीक्षक का प्रैक्टिस लेवल 4 के साथ। आप लोग अपना लेवल चेक कर लीजिएगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये थोड़ा सा वीडियो मैं लेकर आया था, और डेली तो हम आपके YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री रिकॉर्डेड के तौर पर अपलोड तो किया ही जा रहा है, आप वहां पर देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में, लेकिन मेंबरशिप में आपको पैड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर और मैथ्स का लेवल 4 में। तो आप सभी जुड़ जाइएगा जल्दी से, हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, और लेवल 5 वीडियो में, यानी कि कल से आपका डेली परमानेंट क्लास कराया जाएगा। तो आप लोग डेली क्लास कीजिएगा प्रैक्टिस सेट के साथ, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो कल से आपको हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमने प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस 2 और प्रैक्टिस 3 में आपके लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लाए थे, और लेवल 4 में आप डेमो क्लास तो आज आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हम कल से आपके लिए हार्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कि आपके एग्जाम में वैसे ही पैटर्न नंबर पर पूछा जाएगा, वैसे हम क्लास लेकर आएंगे। जो पहली बार आए हैं तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो तैयारी कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन के लिए, उसको यह वीडियो पहुंच सके। तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, अपना लेवल चेक कर लीजिएगा आप लोग सभी कमेंट बॉक्स। सबसे पहले मैथ्स की क्लास स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैथ्स क्लास देख लेते हैं, उसके बाद कंप्यूटर की क्लास देखेंगे। तो हॉस्टल वार्डन में मैथ्स से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और कंप्यूटर के 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए मैथ्स का हम परसेंटेज, यानी कि लाभ प्रतिशत से पहले प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद डेली आपको मैथ्स की क्लास कवर कराने वाला है। अगर आप मैथ्स की, कंप्यूटर की, छत्तीसगढ़, इंडियन का क्लास करना चाहते हैं करंट अफेयर के, तो हमारे चैनल को जल्दी से जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा। जिनको यह प्रश्न मालूम होगा, इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, कमेंट करके बताइएगा, अन्यथा हम सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न कहता है लाभ हानि का, ए एक घड़ी को 20% लाभ पर बेच दिया। कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है? 20%। बी ने उसे 10% हानि पर बेच दिया, फिर सी को कितने रुपए में बेचिए? 10% हानि पर। यदि सी ने वह घड़ी 216 रुपये में खरीदा, क्या पूछ रहा है? 216 रुपये में खरीद रहा है, तो ए यानी कि पहला वह घड़ी कितने रुपए में खरीदेगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए ने कि इसके लिए सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ, कितने रुपये में खरीद रहा है? 216 रुपये में। क्या करोगे? 216 गुना
ए ने कितने रुपए 20% लाभ पर बेचा है, कितना परसेंट लाभ पर 20%। हमेशा देखिए अगर यहाँ पर खरीदी एग्जाम में देखना आपको, ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिखेगा तो हमेशा 100 को ऊपर रखना। और क्या बोल रहा है ये 20% लाभ पर, तो हमेशा 120 आ जाएगा। उसी प्रकार 10% हानि पर, तो 100/10% हानि यानी कि 90। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक क्लियर हुआ तो एक जीरो यहाँ से कट गया, फिर एक जीरो ये कट गया, फिर यहाँ से हम इसको क्लियर करने वाले हैं तो 4 3 आपका 12 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 54। ठीक है, 54 आ गया। अब इसको फिर से काटते हैं 3 से, इसको फिर से 54 को काटेंगे तो कितना बार में जाएगा आपका 18 बार में जाएगा। ये आपका 9 बचा हुआ है, 9 को इससे काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 2 बार में। ठीक है, कितना बार में 2 बार में, तो 100 × 2 करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 200। तो आपके ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, आंसर ए। आपको यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए नेक्स्ट, अगर आपको डाउट होगा तो एक बार आप फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कहता है आपका, देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि 72 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित किया जाए। कितना रुपया? 72 रुपये। ठीक है, 72 रुपये याद रखना, 72 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित किया जाए कि उसे 10% की छूट पर 15% लाभ मिले। देखिए दो बार प्रतिशत वाली बात कर रहे हैं यहाँ पर, कितना बार? दो बार प्रतिशत चल रहा है ना, इसको याद रखना ध्यान से। ठीक है, कभी भी एग्जाम में अक्सर इस पर पूछा जाए कि दो बार प्रतिशत वाला, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिशत लाभ प्रश्न पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में ऐसे पैटर्न पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ये देखिए 10% छूट और 15% लाभ, यानी कि दो बार आपको प्रतिशत लाभ मिल रहा है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, तो क्या करेंगे, 72 गुना कितना है ए, दूसरा परसेंट, तो आपका पहले यहाँ पर आ जाएगा दूसरा परसेंट, उसी प्रकार आपका पहला परसेंट, तो इस प्रकार आपका ट्रिक रहेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो 72 गुना 15% यानी कि कितना आ जाएगा 115, और 10% की छूट, छूट मतलब होता है हमेशा, जैसे कि अगर 10% छूट बोल रहा है तो क्या लिखेंगे 90, अगर 20% छूट बोलता है तो क्या लिखते 80। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो चलिए आप सॉल्व करते हैं, 72 रुपये तो यहाँ पर 72 रुपये करते हैं, उसी प्रकार ये 115 रुपये हमें लाभ मिला 10% की छूट यानी कि 90। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको 9 से कैंसिल करेंगे, 9 × 1 = 9, 9 × 0 = 0, फिर 9 × 8 = 72, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 5 से काटेंगे 5 × 2 = 10, ये आपका 23 बार में जाएगा, फिर 2 को इसे काटेंगे 4, तो कितना आ जाएगा आपका 23 × 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 92 रुपये। कितना आ जाएगा 92 रुपये, जो आपके ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? हम देखेंगे 4 क्वेश्चन लाभ हानि से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचता है, क्या बेच रहा है, फल विक्रेता आम को 9 रुपया, ठीक है, कितना रुपये 9 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचता है, तब उसे 20% की हानि होती है। कितने परसेंट की? 20% की हानि होती है, तब 5% लाभ कमाने के लिए, कितना परसेंट, 5% लाभ कमाने के लिए 1 किलो आम किस दर से बेचेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, फल विक्रेता आम को कितने रुपए में बेच रहे हैं, 9 रुपये प्रति किलोग्राम, चलिए लिख लेते हैं, 1 किलो आम की दर से, कितने, 1 किलो आम की दर से अब बेच रहा है इसे 20% हानि पर 5% लाभ कमाने, क्या बोला मैं आपको अभी बताया, दो बार आपको परसेंट लाभ दिया जाए तो दूसरा परसेंट ऊपर में आएगा, तो 5% लाभ बोल रहा है तो ये आपका आ जाएगा 105, अब 20% हानि यानी कि आ जाएगा आपका 80। कभी भी दो बार प्रतिशत वाला दिया रहेगा तो दूसरा परसेंट बटे पहला परसेंट, ठीक है याद रखना। तो ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा, अरे यहाँ पर कमेंट ना करें ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी क्लास चल रही है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसे काटेंगे इसको 9 से तो आपको 11.81 रुपये हो जाएगा, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं कि चौथा प्रश्न कहता क्या है, अगर आपको मालूम है, आपको आंसर मालूम है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, अन्यथा हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जितने लोगों को मालूम होगा इसको सॉल्व कीजिएगा आप सभी के लिए, है ना। ए ने एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदी, कितने रुपये में खरीद रहा है, 400 रुपये में। बी उसे 20% लाभ पर बेच रहा है, कितना परसेंट, 20% लाभ पर क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, बेच रहा है 20%
लाभ पर। अब भी उस वस्तु किसी को 10% लाभ पर बेचेगा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ 2% लाभ वाले एग्जाम में पूछे जाएगा तो क्या करोगे। यहाँ पर देखिए कितने रुपए चुकाया जाएगा पूछा गया ना, तो चुकाया जाएगा का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, कभी भी 2% वाला पूछा जाएगा तो हम 2% बटे 1% लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा कितने रुपये में, अब यहाँ पर रुपये में पूछा गया है, तो रुपये में पूछा जाएगा तो किस प्रकार हल करेंगे, तो ध्यान से समझना। 400 रुपये तो यहाँ से हम तो क्लियर करेंगे ही, तो ये आपको 20% लाभ यानी कि 120/100 कभी भी रुपए वाला पूछेगा तो इस प्रकार हल करना इससे आसान तरीका बनता है। इसी प्रकार 10% तो आ जाएगा 10% / 100, 10 यहाँ से कैंसिल हो, ये 0 कैंसिल हो, ये 0 और ये 0 आपका कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपका, ये 4, 12 और 11 बचा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4, 12 और 11 बचा है तो 4 × 12 × 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 × 48, तो आपका 48 × 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, अगर 48 से गुणा करेंगे तो आपका 528 आ जाएगा, जो आपका आंसर ए होगा। तो आपको कैसा लगा ये मैथ्स के क्लास, हम 4 क्वेश्चन लेकर आए थे, ऐसे ही टोटल हम 20 क्वेश्चन मैथ्स की कल क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, आपको डेली क्लास करना है तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बगल में जो ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा उसको जाइए, सबसे पहले क्लिक कीजिएगा, मेंबर क्लास चलेगा, आप पेड क्लास कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए कंप्यूटर के टोटल 10 प्रश्न देखते हैं। चलिए आप लोग तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, छात्रावास अधीक्षक की संबंधित कंप्यूटर के टोटल 10 प्रश्न देखेंगे, इसके बाद हम जो सेकंड क्लास लेकर आएंगे उसमें हम टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर का। ठीक है, तो हमने मिक्सिंग क्लास किया है मतलब कंबाइंडेड क्लास, इसे बहुत समय हो जा रहा है, इसी कारण को देखते हुए हम टोटल यहाँ पर 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे सेकंड क्लास में। ठीक है, पहला हमने क्वेश्चन मैथ्स की क्लास लाए हैं जिसमें 4 क्वेश्चन था लाभ से यानी कि प्रतिशत लाभ से, ठीक है, प्रॉफिट लॉस वगैरह से। अब हम देखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर की क्लास। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग चलिए कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्रैक्टिस सेट डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री रिकॉर्डेड अपलोड किया जा रहा है, रात 8:30 से 9:30 के बीच में। ठीक है, रात 8:30 से 9:30 के बीच में रिकॉर्डेड क्लास अपलोड किया जा रहा है। अगर आप मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर सिल्वर का बटन दिखाई दे रहा होगा 59 रुपये का, उसी प्रकार आपको गोल्डन बटन दिखाई दे रहा होगा 199 का, और इसके ऊपर डायमंड बटन दिखाई दे रहा होगा आपको 299 रुपये का। अगर आप जो भी इच्छा है, आपको जो भी कोर्स करना है, वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले कंप्यूटर को क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन ए HDD, ऑप्शन बी कैथे, ऑप्शन सी रजिस्टर या ऑप्शन डी रोम। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आप सभी के लिए 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, फटाफट जितने भी आप सभी कमेंट करना चाहते हैं जल्दी से कीजिएगा, अपना प्रैक्टिस लेवल चेक कीजिएगा कि आप दूध और पानी यानी कि मेरे कहने का मतलब है आप कितने पानी पर हैं और कितने दूध पर, यानी कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, बिल्कुल सभी लोगों का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, पेज पूरा भर जाना चाहिए, है ना। जिन लोगों का कमेंट नहीं आएगा वो मेरा क्लास नहीं देखेगा। ठीक है, मैं आप सभी को कह रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल सभी परफॉर्मेंस सभी लोगों को अच्छे आना चाहिए, इसीलिए मैं क्लास लेकर आता हूँ। चलिए, तो इसका आंसर कितने लोगों का आ रहा है, 50% लोगों का आंसर ए आया है और 43% लोगों का आंसर सी आया है। तो देखिए इसका आंसर ये नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा HDD, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आपका आता है कैथे, रजिस्टर और रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रैडम ओनली मेमोरी यानी कि रैम ओनली मेमोरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित उदाहरणों में से किस एक के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर के इनपुट इकाई हैं। मैं आप सभी को पिछली कक्षाओं में इनपुट और आउटपुट से वीडियो में आपको क्लास कराया था। ठीक है, तो इसका आप लोग बताइए, निम्नलिखित उदाहरणों में से किस एक के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर के इनपुट इकाई हैं। तो देखिए इनपुट इकाई है, लेकिन क्वेश्चन को एक बार समझिएगा क्या कहते, कई लोग डायरेक्ट इनपुट इकाई बोला है तो इसके ना लगा दोगे, है ना, तो इसमें तो सभी इनपुट इकाई हैं, क्या पूछा गया क्वेश्चन को समझो।
निम्नलिखित उदाहरणों में से किस एक के अतिरिक्त पूछा गया है। एक के अतिरिक्त पूछा गया है तो सभी के कंप्यूटर इनपुट इकाई होगा तो आपका स्पीकर, क्योंकि स्पीकर क्या है, स्पीकर एक आउटपुट है, जबकि स्कैनर, कीबोर्ड, रीडर ये सभी इनपुट हैं। क्या है? इनपुट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किसने किया है? तो इसका आंसर बिल्कुल ए होगा, जेरॉक्स कॉरपोरेशन ने। ठीक है, चलिए इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए ना। अगर वीडियो में एक बार आपको समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर दोबारा प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। एक बार अगर वीडियो को देख लेते हो ना, फिर से उसको दोबारा देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर ऐसे ही डेली आप क्लास करना चाहते हैं तो जल्दी से जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामों को प्रदर्शित करने हेतु छोटे छोटे तस्वीर का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से तस्वीर बोला गया है? छोटे छोटे तस्वीर का प्रयोग किया जाता है, उसे हम आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइकन। ठीक है, इनमें से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम, एक मिनट ना, जिस पर यहाँ पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाता है, मतलब ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो चलते चलते है ना, चल रहे प्रोग्राम या आइकन डिस्प्ले करता है। जैसे कि हमारा वीडियो चल रहा है, हमारा ठीक है वीडियो चल रहा है, क्लास चल रहा है, तो आपको नीचे यहाँ पर मेरा वो दिखाई दे रहा होगा आपको, जैसे कि जो क्लास में चल रहा होगा, जो मेरा पूरा डिटेल है आपको वहाँ पर शो कर रहा होगा। उसी प्रकार जिस पर क्लिक करने पर, जैसे वहाँ पर जैसे मेरा सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसके बगल में ज्वाइन बटन है, उसको क्लिक करोगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा, पैड क्लास वाला, मेंबरशिप क्लास वाला। उसी प्रकार ये क्लिक करने पर विंडो ऊपर आ जाता है, उसको क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। इसका आंसर सी होगा। कितने लोगों का आंसर सी आ रहा है कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, एमएस वर्ल्ड में इंसर्ट मेनू को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए आपका आ जाएगा शिफ्ट प्लस आई, आंसर बी। नेक्स्ट है कि एमएस वर्ल्ड में किस सुविधा के द्वारा दस्तावेज प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर और नीचे कोई सूचना जैसे टाइटल, पेज संख्या, डेट डाला जाता है, उसको हेडर और फुटर के द्वारा कहा जाता है। इसी के द्वारा हम यहाँ पर टाइटल, पेज संख्या और डेट डाल सकते हैं। ठीक है, किस में? एमएस वर्ल्ड में। ठीक है, एमएस वर्ल्ड में। आप सभी लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा आना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। चलिए, किस फंक्शन द्वारा एमएस वर्ल्ड में, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें एमएस वर्ल्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए, यार देखिए आप स्पेलिंग चेक करोगे डायरेक्ट आप F7 लगा दोगे, यहाँ पर पूछा नहीं गया, ऑप्शन में दिया ही नहीं है F7, तो कहाँ से लगाओगे? क्या पूछा गया? गलतियों को टाइप करते समय सुधार दिया जाता है। अब देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, मैं इसीलिए डेली हार्ड टाइप का क्वेश्चन लेकर आऊँगा, डेली हार्ड क्वेश्चन लेकर आऊँगा। पहले आपको कौन सा सिंपल क्वेश्चन कराता था आप लोग आसानी से सभी लोगों को आंसर दे देते थे, लेकिन अब मैं हार्ड क्वेश्चन लेकर आऊँगा, डेली ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आऊँगा ना, हिला डालोगे पूरा, मतलब ऐसे क्लास करो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसीलिए कह रहा हूँ कि डेली क्लास करें, हमारे चैनल पर बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है फ्री आपको यूट्यूब पर, और मेंबरशिप की क्लास मिल रहा है, आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? टेक्स करेक्ट, क्योंकि देखिए हमेशा सुधार दिया जाता है ना, तो टेक्स को जैसे कि हम लिखेंगे तभी तो सुधरेगा, है ना। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस प्रकार के प्रिंटर आवेशित स्याही टोनर यानी कि चार्गेट इंक्ट टोनर का प्रयोग किया जाता है? तो आपका लेजर प्रिंटर होगा, आंसर सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दसवां प्रश्न, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को मालूम होगा तो, किस प्रकार के डिजिटल फाइल को ईमेल द्वारा किसी दूसरे में भेजा जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? तो देखिए मान लीजिएगा कोई डिटेल से हम फाइल को या ईमेल को हम दूसरे में भेज सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप में भेजना है या ईमेल में भेजना है या कोई भी ग्रुप में भेजना है, तो आपको वीडियो भेजा जाता है, इमेज भी भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल डी होगा।
और आप सभी के लिए प्रश्न है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसका सॉल्व करके आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे प्रैक्टिस सेट 5। अगर प्रैक्टिस सेट 5 अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगता है, अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा खासा आ जाता है, तो डेली मैं कह रहा हूँ टोटल अगर 50-50 MCQ करेंगे तो 2 महीने की रणनीति के साथ आपका कंप्यूटर का बैच पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर बताइएगा क्या होगा कि डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, लेजर, डॉट मैट्रिक्स, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट मेमोरी ये सब क्लास नहीं किए हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया होगा, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा, आपको पूरा क्लास मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम टोटल 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से लेकर आए थे और 4 क्वेश्चन मैथ्स के लेकर आए थे, यानी कि टोटल 14 प्रश्न देखे हैं। और आप कल से टोटल 50 कंप्यूटर के देखेंगे और 20 क्वेश्चन गणित से देखेंगे, मैथ्स से देखेंगे, ठीक है। डेली ऐसे छत्तीसगढ़ की क्लास कुछ दिनों बाद प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। डेली क्लास करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपना नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मेंबर